हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं जो आपकी जो सो अपकमिंग जो वैकेंसी आपकी एयर, चाहे वो आपकी दोस्तों अग्निवीर के तहत निकाली गई हो, ठीक है, या फिर आपकी दोस्तों असम राइफल की जो दोस्तों आगे 1380 पोस्ट वाली वैकेंसी है, या सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जिसकी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, जो नॉर्मल लेवल के जो आपके एग्जाम आते हैं, ठीक है, उन सभी पे दोस्तों जो बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से, तो वो उसके ऊपर दोस्तों मैं पूरी वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी दोस्तों और मुझे जैसे बेनिफिट मिला उस चीज से, उसी तरीके से दोस्तों मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। आप देखो, आप खुद देखोगे इसके अंदर बहुत से पेपर उठा के देखोगे आप प्रीवियस ईयर के, तो डायरेक्ट इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे ज्यादा हालांकि डीप में तो अपना कितना भी पढ़ सकते हैं इसको, मॉडर्न हिस्ट्री को कितना भी लंबा खींच सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, आप सबको पता होगा वो डेट से रिलेटेड होता है और अलग अलग अभियानों से, अधिनियमों से रिलेटेड होता है, तो उन्हीं के ऊपर पूरी बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैंने भी इसी तरीके से तैयारी की थी अपना, इसी तरीके से पढ़ा था मैंने इन मेन चीजों को, मतलब कि मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा था। अगर आप असम राइफल के कैंडिडेट हो या आपके आईटीबीपी के हो, ठीक है, या आप सीआईएसएफ के एग्जाम दे रहे हो, तो दोस्तों देखो आपको ध्यान रखना है कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप्स होंगे, ठीक है। इतना डीप में नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा आपसे अगर पूछेगा तो। हालांकि इतना डीप में तो क्वेश्चन मतलब कि पूछेगा ही नहीं आपका, मैं आपको बताया था। अगर आप असम राइफल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हवलदार क्लर्क की है या फिर आपकी दोस्तों ऑपरेटर रेडियो लाइन की है, उसमें जीके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, स्टैटिक जीके दोस्तों पूछता है, ठीक है, बिल्कुल डीप में नहीं पूछता, करंट के क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट आपका स्टैटिक ही पूछता है। अब दोस्तों डायरेक्ट धीरे धीरे अपने क्या है, हर क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखो अपने चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखो मैंने इसको अच्छे तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखो, पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन देखो ये है कि मार्ले मिंटो अधिनियम, ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम कब लागू हुआ। ये मैंने एक तरीके से क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, ये एक तरीके से मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है, ठीक है, उसको आप अच्छे तरीके से आप समझ लेना, ठीक है। देखो मार्ले मिंटो अधिनियम, ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में लागू हुआ। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा मार्ले मिंटो अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है, तो 1909 के अंदर आया था ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज थी, क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के अंदर सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लेता है भारत के अंदर सांप्रदायिकता का जनक किसे बोला जाता है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, काफी कैंडिडेट मुझसे बोल रहे थे कि इंग्लिश के अंदर भी पढ़ाया करो, तो दोस्तों मेनी ऑफ कैंडिडेट जितने भी है उस बहुत सबसे ज्यादा दोस्तों हिंदी के हैं, ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों मैं हिंदी के अंदर पढ़ा रहा हूं। और अगर इंग्लिश के अंदर दोस्तों अगर मैं इसको पढ़ाने लग जाऊंगा तो ये काफी ज्यादा दोस्तों लेंथी वीडियो हो जाएगा और इतना दोस्तों फिर अपने कर नहीं सकते, ठीक है। देखो अपने चलते हैं इसके अंदर। देखो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में लागू हुआ, ठीक है, पूरा मैं डेट बाई डेट लेके चलूंगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, मिंटो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मिंटो को, ठीक है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, मिंटो को आपका कहा जाता है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार कब लगाया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दिल्ली दरबार कब लगाया गया, तो दिल्ली दरबार आपका 12 दिसंबर 1911 को दोस्तों लगाया गया, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को आपका दिल्ली में दरबार लगता है, जहां पे आपके दोस्तों बैठक होती है, ठीक है, वहां पे उसके जो सम्राट थे, तो दिल्ली दरबार जब लगाया गया तो वहां पे सम्राट थे, वो थे जॉर्ज पंचम, ठीक है, सम्राट कौन से थे दोस्तों, जॉर्ज पंचम आपके सम्राट थे, ठीक है। और उसके अंदर दो बड़े फैसले लिए गए, उसके अंदर क्या दो बड़े फैसले लिए गए, पहला फैसला ये था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, ठीक है, जो पीछे मैं आपको आगे आपको बताऊंगा बंगाल विभाजन कब हुआ, ठीक है, इससे पहले बंगाल विभाजन हो चुका था 1906 के आसपास, ठीक है। तो देखो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। और दूसरा दोस्तों था कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया जाए, ये दो बड़े फैसले लिए गए। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली को राजधानी, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई, तो दोस्तों वो की गई थी 12 कब की गई दोस्तों, देखो 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, 1911 को तो आपकी घोषणा की गई थी, लेकिन दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, 1912 को, ठीक है, 11-12 का आप सिस्टम याद रखना, 11 के अंदर तो घोषणा हुई थी दिल्ली को राजधानी बनाने की, 11 से पहले जो थी वो कलकत्ता थी, और जो 12 को दोस्तों, 11 को भी कलकत्ता ही थी और 12 को, 1912 को आपकी कौन सी, देखो नोट लगा के लिख लेना, 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया, ठीक है। ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा दोस्तों इसके अंदर पूछे जा सकते, कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लो, चाहे वो किसी भी फोर्स का एग्जाम उठा के देख लो, जो 10th लेवल पे, अब जो दोस्तों आपके आर्मी के दोस्तों एग्जाम आएंगे, बिल्कुल इसके बिल्कुल ऊपर से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल डीप में क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हीं में से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के उठाकर देखोगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। देखो नेक्स्ट क्या है
थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकालते थे। अब दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र निकाला, तो कौन सा समाचार पत्र था आपका? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, कौन सा था आपका? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकालते थे। ठीक है, दूसरा देखो, 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी समुद्र यात्रा के दौरान। ठीक है, समुद्र की यात्रा के दौरान जब वो दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों इंडिया आ रहे थे, ठीक है, तब देखो हिंद स्वराज नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1909 के अंदर। ठीक है, 1909 के अंदर उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 9 जनवरी 1915 को। दोस्तों देखो, पता है आपको हिस्ट्री है, हिस्ट्री में डेट याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्हीं डेट पे से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, और तो आपको कैसे याद करना हो, इसी तरीके से आपको याद करना होगा। देखो, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। ठीक है, और देखो उन्होंने क्या, अब देखो इसके अंदर नोट लगाने वाली बात है कि 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी याद रखना, 9 जनवरी को हमेशा क्या मनाया जाता है दोस्तों? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी को 1915 को ही जो गांधी जी है वो वापस लौटे थे इंडिया। ठीक है, देखो, और इसको एनआरआई डे भी बोलते हैं। ठीक है, एनआरआई डे भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, ठीक है, गांधी जब सीधा पूछ सकता है कि गांधी जी ने अपना प्रथम आंदोलन कौन सा किया। ठीक है, प्रथम आंदोलन कौन सा किया जिसमें सीधा सीधा भाग जाता है गांधी जी का, तो कौन सा था वो? चंपारण का किसान आंदोलन। ठीक है, चंपारण किसान आंदोलन बिहार के अंदर है आपका, देखो चंपारण, तो चंपारण का किसान आंदोलन था 1917 में। ठीक है, आप याद रखना, 1915 में आए, 1916 में रेस्ट किया और 1917 में पहला आपका किसान आंदोलन किया। ठीक है, 1917 में इनका पहला आंदोलन था चंपारण का किसान आंदोलन जो बिहार में है। सेकंड आंदोलन था इनका अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद के इनको अंदर दोस्तों पढ़े तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं अपने कि किस किस के साथ था ये, कौन कौन इनके साथ था, कहां कहां से किसने साथ दिया और क्या क्या इनके साथ क्या थी बात थी। ठीक है, पूरी बात कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अपने को इतना डीप में नहीं पढ़ना, अपने को ऊपर ऊपर से मेन मेन जो चीजें वो पढ़नी है। यही क्वेश्चन आपके आएंगे, अंदर से डीप में नहीं पूछेगा। अगर डीप में पूछ लेगा तो दोस्तों फिर ये 10th बेस का कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, डीप में पूछेगा तो फिर आप एसएससी लेवल की तैयारी करो। ठीक है, लेकिन डीप में नहीं पूछेगा, बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा कि अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? ये गुजरात में, आपको पता है अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, और मार्च 1918 को दोस्तों ये आंदोलन था, और 1918 में ही दिसंबर वाले, ठीक है, 1918 में ही दिसंबर को खेड़ा का किसान आंदोलन किया गया गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी के ये तीन प्रारंभिक आंदोलन थे, कौन कौन से थे? चंपारण का किसान आंदोलन 1917 में बिहार में है, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन मार्च 1918 में गुजरात में है, और खेड़ा किसान आंदोलन ये भी गुजरात के अंदर है, खेड़ा, और दिसंबर 1918 के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने इसके अंदर आगे चलते हैं। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन थे। ठीक है, और इसके अंदर और भी काफी कुछ है, तो जब तक फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर अपने आगे चलते हैं। देखो आगे इसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन है, बस आपको डेट दे रखी है, और डेट भी दोस्तों मैंने सीक्वेंस वाइज लगाई हुई है। ठीक है, यानी कि पहले अगस्त में क्या हुआ, मतलब जैसे 1942 में, फिर 44 में, 45 में, इस तरीके से दोस्तों मैंने सीरियल वाइज इसके अंदर आपकी डेट लगाई है। और ये डेट से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपको पता है, हिस्ट्री से आपके, इन्हीं से क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है, डीप में ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं पूछता है। देखो चलते हैं अपने इसके अंदर आगे। तो देखो क्या है ये, देखो सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है ये कब लागू किया गया, तो दोस्तों ये किया गया 17 मार्च 1919 को। ठीक है, 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। अब दोस्तों अब इसके अंदर बहुत कुछ अपने अंदर भी जा सकते हैं कि भाई रॉलेट एक्ट के अंदर क्या क्या आया, क्या कुछ था, क्या नहीं था। ठीक है, पूरी अंदर जा सकते हैं डीप के अंदर, लेकिन अपने को सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन याद करने हैं, जिससे कि अपनी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके, अपना स्मार्ट वर्क हो सके, अपने को पेपर अपना पास चाहिए, अपने को नॉलेज नहीं लेनी। ठीक है, अपने को पेपर पास करना है, नॉलेज नहीं लेनी। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये हुआ आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको पता ही है, वहां पर इकट्ठे हुए थे सभी सभा के लिए, और वहां पर जनरल डायर ने गोलियां मारना चला दी। ठीक है, तो अपने को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, डायरेक्ट अपने इसके ये देखेंगे किस डेट को क्या चीज हुई थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, और कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये क्या हुआ था आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद दोस्तों चोरा चोरी कांड जो हुआ था, ये चोरा चोरी कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को आपका चोरा चोरी कांड हुआ। और कांकोरी ट्रेन डकैती कब हुई दोस्तों? ये हुई आपकी 9 अगस्त 1922
25 को, ठीक है। अब आप 9 अगस्त से एक चीज और याद कर सकते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरे थे वो 8 अगस्त और 9 अगस्त को गिरे थे, ठीक है। तो कांकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। देखो सिक्वेंस वाइज चल रहा है, मार्च 1919 को आपका रॉलेट एक्ट आया, तो अब फिर मार्च को अप्रैल में ही आपका इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही आपका जलियांवाला बाग हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को आया था, ठीक है। उसके बाद चोरा चोरी कांड हुआ, ठीक है, वो कब हुआ आपका? 5 फरवरी 1922 को हुआ। कांकोरी ट्रेन डकैती आपकी 9 अगस्त 1925 को हुआ, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन की घोषणा, ठीक है, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई? साइमन कमीशन की घोषणा आपकी की गई नवंबर 1927 को, ठीक है, नवंबर 1927 की। ये जो जलियांवाला बाग हुआ था दोस्तों, इसी के लिए इसकी जो गठन किया गया था साइमन कमीशन का, ठीक है, इसी की जांच के लिए, तो 1927 को इसकी घोषणा की गई थी। और ये भारत कब आया था? भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तब तो दोस्तों आपको क्या लगाना है, तो तब तो आपको लगाना है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है। लेकिन ये पूछ ले कि साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई, तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इसने रिपोर्ट कब दी? अब क्वेश्चन पूछ ले कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो कब की दोस्तों? मार्च 1930 को, ठीक है, मार्च 1930 को, यानी कि 27 को घोषणा हुई, 28 को ये भारत आया, और 30 को, यानी 2 साल बाद इसने अपनी मार्च 1930 को इसकी रिपोर्ट दी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखो इसके अंदर, इससे पहले ही साइमन कमीशन से पहले ही, यानी कि अगस्त में, ठीक है, जब वो साइमन कमीशन भारत आया था उसके बाद दोस्तों अगस्त के अंदर 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट भी आपकी आ गई थी, ठीक है। अब पूछ ले जाए नेहरू रिपोर्ट कब आया, तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 10 अगस्त 1928 की। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ आपको बताइए? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ दोस्तों? ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 6 अप्रैल 1930 को। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट लिखवा रहा हूं, इसके अंदर बहुत कुछ छूट चुका है, मुझे पता है आप लोग बोलोगे इसके अंदर आपका जो गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था ये कब हुआ, और कौन सी नदी के किनारे हुआ, कौन से आश्रम से हुआ, और बहुत कुछ इसके अंदर है बताने वाला, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो डेट है यही दोस्तों ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है, यही ज्यादातर पूछी जाती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। उसके बाद दोस्तों गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता, इसके अंदर आप सब जानते हो कि अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको वापस लेने की बात भी हुई थी, ठीक है, इसके लिए इनकी दोस्तों क्या हुआ था? समझौता हुआ था, जिसके अंदर गांधी जी ने जो भगत सिंह और जो राजगुरु और जो सुखदेव हैं उनको जो फांसी लगने वाली थी उसकी कोई भी बात इसके अंदर नहीं रखी थी, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता क्या हुआ, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन का समझौता हुआ था। सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो हो सकता है उसको ऑप्शन में क्या आएगा? 5 मार्च 1931 को हुआ। अब दोस्तों पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट दोस्तों गांधी जी का अंबेडकर जी के साथ क्या था? समझौता था, ठीक है, गांधी जी का अंबेडकर जी के साथ क्या था? समझौता था। तो पूना पैक्ट बोला जाता है गांधी जी का अंबेडकर जी के साथ क्या था? समझौता था। कब था ये? 26 सितंबर 1932 को, ठीक है, 26 सितंबर 1932 को गांधी जी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ समझौता था, उसको बोलते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट कब लागू किया गया? सॉरी, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट दोस्तों देखो, ये बात दोस्तों बड़ा ध्यान रखना कि अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया, ठीक है, या फिर ये पूछ लेता है अगस्त क्रांति कब हुई, तो क्वेश्चन दोनों सेम से मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव आपका कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था, ठीक है, 8 अगस्त 1940 को आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, 8 अगस्त 1940। देखो दोस्तों डेट है, डेट आपको याद करनी होगी, रटनी होगी, आप रट लो इनको, ठीक है, घोटके पी जाओ इनको, रटनी ही होगी इनको, ठीक है, ये डेट है, इनको कोई और तरीके से याद कैसे कर सकते हैं? सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बता ही दिया है कि गांधी जी का समझौता हुआ, फिर गांधी जी का डॉक्टर अंबेडकर के साथ समझौता हुआ, फिर अगस्त क्रांति हुई, फिर क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जीरो ऑपरेशन जीरो आवर चला, ठीक है, ये चीज है। तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ आपका? 8 अगस्त और अगस्त में ही हुआ, अगस्त प्रस्ताव अगस्त में ही हुआ, 8 अगस्त 1940 को हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन आया आपका, ठीक है, जैसे एक साइमन कमीशन आया था, इसके बाद में दोस्तों इस साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको चेंज करने के लिए, उसके बारे में करने के लिए, ठीक है, उसकी जो पूरा उसका देखने के लिए कौन सा आया था? क्रिप्स मिशन आया था, लेकिन इसने भी दोस्तों 2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे दी थी। देखो कब घोषणा तो हुई थी इसकी? 11 मार्च 1942 को, साइमन कमीशन को देखने के लिए, ठीक है, किसने रिपोर्ट कैसे बनाई है कैसे बनाई, क्योंकि इसका भी विरोध हुआ था दोस्तों साइमन कमीशन का, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए थे, ठीक है, बहुत कुछ दोस्तों इसके अंदर है पढ़ने वाला, ठीक है, और आप लोग वो चीज पढ़ते रहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको मत पढ़िए, उनको भी पढ़िए दोस्तों, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो मेन जो
दोस्तों आपकी जो डेट वाला सेशन है ना, इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लेना, बहुत क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। घोषणा हुई थी 11 मार्च 1942 को और भारत कब आया था, 23 मार्च 1942 को, ठीक है। 23 मार्च से आप याद रख सकते हो, ठीक है। 23 मार्च 1942 को भारत आया था और रिपोर्ट कब दी थी, रिपोर्ट दी थी इसने 30 मार्च 1942 को, ठीक है। यानी 23 को आया और 30 को इसने रिपोर्ट दे दी, यानी 7 दिन के अंदर अंदर इसने रिपोर्ट अपनी दे दी, ठीक है। 23 मार्च को ये भारत आया था और 30 मार्च को इसने रिपोर्ट दे दी, ठीक है। और 11 मार्च 1942 को इसका मतलब की घोषणा की गई, ठीक है। मार्च में ही हुआ है दोस्तों, 11 मार्च को घोषणा की, 23 मार्च को यहां आ गया, भारत आ गया और 30 मार्च को इसने वो अपनी रिपोर्ट दे दी। 1942 तीनों वर्ष इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति, ठीक है। अगस्त क्रांति कब हुई या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, दोनों का नाम एक ही है दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति आपकी कब हुई थी, 7 अगस्त 1942 को, ठीक है। 7 अगस्त 1942 को क्या हुआ आपका, कि आपकी अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन की आपकी शुरुआत की गई, ठीक है। अब देखो दूसरा है ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। जैसे ही इसकी घोषणा की गई, ठीक है, कि आपकी 7 अगस्त से क्या है, 7 अगस्त से आपकी अगस्त क्रांति स्टार्ट हो रही है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत आपको पता ही है गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया, और भी अन्य जो नेता थे जो इस क्रांति में मतलब की साथ देने वाले थे उन सबको जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 से ही आपका दो दिन बाद इसके, ठीक है, अगस्त क्रांति के 2 दिन बाद ये ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है ऑपरेशन जीरो आवर कब शुरू किया गया, तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया। अब ये सबको दोस्तों पता ही होता है क्वेश्चन के, 14 अगस्त 1947 को अपना पाकिस्तान आजाद हुआ था और 15 अगस्त अपना तो नहीं है दोस्तों पाकिस्तान, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हुआ था, ठीक है, और 14 अगस्त को अपना तो है नहीं दोस्तों, ये मतलब कि जो भी है पाकिस्तान अपना आजाद हुआ था, ठीक है, उनके हिसाब से आजाद हुआ था पाकिस्तान। अब देखो दोस्तों इसके अंदर कुछ क्वेश्चन और है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और है, मैं आपको एक तो क्वेश्चन और बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों जी ये जो क्लास है ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, इस वजह से मैं आपको क्या जो कांग्रेस की जो अधिवेशन है उसके लिए मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको कांग्रेस के अधिवेशन समझा दूंगा कि कौन कौन से मेन अधिवेशन है, कहां कहां पर हुए थे और किस किस ईयर में हुए थे और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने की, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक तो दोस्तों वैसे होती नहीं है कोई भी, लेकिन उसको क्रम वाइज ऐसे समझा दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस तारीख को ये हुआ था, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से प्रिपरेशन की थी और मुझे अभी तक दोस्तों वो चीजें याद है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा आपके लिए, तो फटाफट उसमें 2 क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन और देख लो कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ये है, देखो कि ये पूछ सकता है कि भारत शासन अधिनियम कब लागू किया गया, ठीक है, भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ, भारत शासन अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम दोस्तों जब लागू किया गया वो आपका कब किया गया था, ये दोस्तों आपका लागू किया गया था, तो ये लागू किया था आपका देखो 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई 1947, ठीक है, 1947 में आपका क्या हुआ था, ये आपका भारत शासन अधिनियम चलाया गया था 1947 में, भारत शासन अधिनियम चलाया गया, ठीक है, 18 जुलाई 1947 के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देखिए इसके अंदर कि गांधी जी की पत्रिका का नाम क्या था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि गांधी जी की पत्रिका का नाम क्या था, पत्नी का नहीं दोस्तों पत्रिका का, ठीक है, गांधी जी की पत्रिका का नाम क्या था, पत्रिका का नाम क्या था, ठीक है, तो पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों, गांधी जी की पत्रिका का नाम था यंग इंडिया, ठीक है, क्या था दोस्तों, यंग इंडिया, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यंग इंडिया। तो दोस्तों गांधी जी से रिलेटेड आपने 2-3 चीजें पढ़ी हैं, जैसे गांधी जी की पत्रिका का नाम क्या था, यंग इंडिया, ठीक है, और गांधी जी के समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों, द इंडियन ओपिनियन, ठीक है, कौन सा था, द इंडियन ओपिनियन, और गांधी जी की पुस्तक कौन सी थी, तो हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक थी जो उन्होंने समुद्र यात्रा के दौरान लिखी थी, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट इसके अंदर एक क्वेश्चन और आप लिख लो कि सुभाष चंद्र बोस की जो बुक थी उनका उसका नाम क्या था, तो सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी पुस्तक थी, तो सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों पुस्तक थी उसका नाम था, ठीक है, उसका नाम मैं लिख देता हूं, उसका नाम था दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल,
द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या था? द इंडियन स्ट्रगल। गांधी जी की पत्रिका का नाम क्या था? यंग इंडिया, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 18 जुलाई 1947 को लागू किया गया, ठीक है। तो मैंने दोस्तों काफी अच्छे तरीके से आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स वाला जो सेशन था ये अच्छे तरीके से समझा दिया है, फिर भी कुछ डेट्स तो काफी रह गई है, ठीक है। तो दोस्तों उनको भी अपने कवर कर लेंगे किसी तरीके से, लेकिन ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट डेट्स थी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे कि कांग्रेस के जितने अधिवेशन थे उनको दोस्तों अपने एक तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो आपका आधुनिक भारत जो होगा दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसी में से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो मैं आपको करवाऊंगा इसी में से आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा दोस्तों, मैं आपको ये मतलब डेफिनेटली बोल सकता हूं। मैंने भी काफी एग्जाम की प्रिपरेशन किया और जहां तक मैंने देखा है सभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनी में से क्वेश्चन आता है, और आप खुद देख सकते हो जाके कोई भी कोई किसी भी एग्जाम का, चाहे आप किसी भी फोर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेंथ लेवल की किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो इतना डीप में नहीं पूछता, सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि इसमें कब हुआ, ये कब हुआ, इसमें किस किस के बीच में समझौता हुआ, ठीक है। और ज्यादा ही दोस्तों इतना डीप में नहीं पूछता आपके पेपर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों बाकी अपने बाकी और भी अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाले जो सीरीज रह गई थी वो भी अपने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।